छोटा सा ये आप सीपीयू का छोटा सा आप पॉकेट टाइप में सीपीयू देख सकते हैं, नया बिल्कुल क्रिएशन है। जैसे ये तो डिस्टेंस के लिए है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए है, ये जैसे आपका जॉयस्टिक की तरह काम करता है, ऐसे बहुत अलग अलग, तो इसलिए हमको खुद जाने की जरूरत नहीं होता है। इमरजेंसी के सिचुएशन में ड्रोन सीधा वहाँ तक खाना मॉनिटरिंग में ये हेल्पफुल होगा। मॉनिटरिंग में भी और सुविधाएं पहुँचाने में भी जो इमरजेंसी में जरूरत है, एकदम से नहीं निकाल पा रहे हैं अगर लोगों को, पर खाना और मेडिसिन चाहिए तो ये ड्रोन के थ्रू हम सीधा पहुँचा सकते हैं यहाँ पे। देख रहे हैं नेशनल दस्तक, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना में है, बिहार दिवस के अवसर पे पटना के गांधी मैदान में भव्य मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें अलग अलग विभाग के लोग अपने एग्जीबिशन को दिखा रहे हैं, अपनी कलाकृतियों को दिखा रहे हैं। तो इस वक्त हमारी मौजूदगी आईआईटी पटना के काउंटर पे है। ये लोग बाढ़ राहत में कैसे आसानी से लोगों तक सुविधाएँ पहुँचाई जाए, इसी बात को लेकर ये लोग एक प्रोजेक्ट तैयार किए, उसी प्रोजेक्ट को हम लोग दिखाने का प्रयास करें। क्या प्रोजेक्ट है सर आप लोगों का? बेसिकली ये हम जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो फ्लड डिटेक्शन पे, फ्लड डिटेक्शन इज़ द पार्ट ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये हमारा एक रेसबेरी पाई है, रेसबेरी पाई मतलब एक स्मॉल कंप्यूटर आप बोल सकते हैं, जिससे हम IoT के जितने भी सेंसर्स हैं वी कैन कनेक्ट इट। तो ये जो सेंसर हमने यूज़ किया है, वो दो सेंसर यूज़ किया है, एक ये DHT सेंसर है जो ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, दूसरी चीज़ ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो डिस्टेंस को कैलकुलेट करेगा। डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट कि हम ये जो प्रोजेक्ट है वो फ्लड पे है, तो फ्लड का मतलब ये है कि यहाँ जो पानी है, ठीक है, हम चाहते हैं कि इसका पानी का वाटर लेवल कैलकुलेट करें, तो हम अल्ट्रासोनिक सेंसर्स लेंगे। इसमें दो चीज़ है, एक सेंडर है एक रिसीवर है। सेंडर जो है अल्ट्रासोनिक रेस जनरेट करेगा, रिसीवर जो है अल्ट्रासोनिक रेस को रिसीव करेगा। अगर मैं इसको यहाँ पे माउंट करता हूँ, माउंट का मतलब मैं यहाँ पे इसको फिक्स करता हूँ, ठीक है, फिक्स करने के बाद वी कैन एबल टू सी व्हाट इज़ द एग्जैक्ट वाटर लेवल। हम इजीली देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्ट वाटर लेवल है। वो बेसिकली ये कैलकुलेट करेगा डिस्टेंस, और हम इसको माउंट करेंगे इस ड्रोन पे कि वी कैन विजुअलाइज द थिंग्स एट द रन टाइम, कि अगर बाढ़ आती है तो उस टाइम पे आप ड्रोन के थ्रू मॉनिटर कर सकते हैं। अभी कुछ इसमें माउस में प्रॉब्लम है आपका ना? हाँ, ये ड्रोन है, इसको इसमें माउंट कर देंगे, ठीक है, तो वी कैन विजुअलाइज द थिंग्स एट द रन टाइम। मतलब कि अगर ड्रोन उड़ रहा है, बाढ़ आई हुई है, तो उस समय हम उस टाइम पे उसका वाटर एग्जैक्ट वाटर लेवल क्या है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। वर्षा हुआ है या हाँ, कितना लेवल है, ठीक है, वो हम मॉनिटर कर सकते हैं। और ये रहा हमारा बेस स्टेशन का विजुअलाइजेशन, कि सपोज कि अगर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बाढ़ आई हुई है, ठीक है, और हमारा बेस स्टेशन यहाँ पे है, तो हम उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे कि उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी बाढ़ है, तो हम इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं कि क्या है वहाँ पे एग्जैक्ट करेंट सिनारी, ठीक है, बाढ़ राहत को कैसे मजबूत किया जाए। जी जी जी, रेस्क्यू को आप लोग जो है मजबूत करना। हाँ जी जी, उसको प्रिवेंट लोगों को जो है, हाँ, अगर सुविधाएं मिल सकें उसको कैसे हम देखेंगे कि वहाँ पे कितनी बाढ़ लेवल, क्या लेवल है बाढ़ लेवल का, उस हिसाब से हम फिर अपनी सुविधाओं को वहाँ पे पहुँचाएं। जी, ड्रोन पे हम क्या करते हैं कि ये छोटा ड्रोन है, बड़े ड्रोन में क्या होता है कि पेलोड रहता है, तो उसमें हम इमरजेंसी किट्स खाना वो सब देख कर, क्योंकि इस पे कैमरा रहता है तो वो देखेगा कि कहाँ कहाँ लोग हैं, तो वो उनको इमरजेंसी किट्स और खाना वहाँ पे भिजवाता रहेगा, तो इसलिए हमको खुद जाने की जरूरत नहीं होता है। इमरजेंसी के सिचुएशन में ड्रोन सीधा वहाँ तक खाना मॉनिटरिंग में भी और सुविधाएं पहुँचाने में भी जो इमरजेंसी में जरूरत है, एकदम से नहीं निकाल पा रहे हैं अगर लोगों को, पर खाना और मेडिसिन चाहिए तो ये ड्रोन के थ्रू हम सीधा पहुँचा सकते हैं यहाँ पे। बाढ़ हो या भूकंप हो, यदि सिचुएशन क्रिटिकल है तो वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से हम वहाँ के सिचुएशन को ऑब्जर्व भी कर पाएंगे। ड्रोन है इस सेम, उसका हम बड़ा ड्रोन बना सकते हैं, वो ज़्यादा वेट कैरी करेगा, तो ये आपको सर अभी दिखाएंगे कि हम कैसे चलाते हैं। इसमें कैमरा है, ये लोग आप लोगों ने इसको बनाया है? हमने ये बनाए हैं, ये प्रोटोटाइप्स हैं हमारे जो हमने खुद से बनाए हैं। अच्छा, आप लोगों ने मतलब ये जी जी, अच्छा, इसके टेस्टिंग के लिए ये आप यूज कर रहे हैं? हमने बनाया ये है, इसको हम टेस्टिंग, प्रोडक्टिविटी है नई क्रिएशन है आपका जी, पटना IIT का जी सर। और ये देखिए, ये जो है स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट कंप्यूटर, ये इसमें कंप्यूटर नहीं लगा है, ये जो है ये कंप्यूटर का काम कर रहा है, ये जो है CPU, ये छोटा CPU आप देख सकते हैं कितना छोटा है, मोबाइल इसको रेसबेरी पाई बोलते हैं, इसके अंदर सारा सेंसर लगा हुआ है, ठीक, और ये पूरा किट इसमें पॉकेट में लोग लेके जा सकते हैं, ये पूरा किट इसमें असेंबल्ड हो जाएगा।
अच्छा, तो जैसे जो हमने आपको भी दिखाया कि इससे आप पानी का लेवल मेजर कर सकते हैं, वो यहाँ लगा के आप बाढ़ का मेजर कर सकते हैं। अभी जो आप इसको चला रहे हैं, इसी से चला रहे हैं क्या? इससे चल रहा है। अभी आपके पास सीपीयू नहीं है? सीपीयू नहीं है कोई भी, ये सिर्फ इससे चल रहा है और सिर्फ इससे हमारा पूरा चल रहा है, सारा काम होता है इससे। इसलिए बिहार को ज्ञान की धरती कहा जाता है। यदि प्रॉपर ढंग से बिहार के बच्चों को ध्यान दिया जाए, उन पे इन्वेस्ट किया जाए, तो आपको नई नई चीज़ें बहुत तेज़ी से दिखेगी। पूरे देश में, पूरे दुनिया में बिहार, बिहारी डैश का नाम है, उसी का नमूना आप देख पा रहे हैं। छोटा सा ये आप सीपीयू का छोटा सा आप पॉकेट टाइप में सीपीयू देख सकते हैं, नया बिल्कुल क्रिएशन है, कॉपीराइट है पटना आईआईटी का, और इसी से आपको कहीं ना कहीं ये जो आपका सीपीयू ये मॉनिटर है वो चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, और भी ड्रोन है। नहीं थोड़ा इसको भी दिखाइए। मतलब जैसे ये जो होता है ये आता है, हम इसको सिर्फ प्रोग्राम करते हैं अपने यूज केस पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है वो अभी काफी नहीं, ये काफी स्टैंडर्ड है, ये आपका जो है ये हमने बनाया है, ये आपका सारा इसमें सेंसर है। जैसे ये तो डिस्टेंस के लिए है, ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के लिए है, ये जैसे आपका जॉयस्टिक की तरह काम करता है, ऐसे बहुत अलग अलग फायर अलार्म है, ये जो है ये किट जो फायर अलार्म है उस टाइप डिफरेंट टाइप का ये। तो आप यदि पटना में है, बिहार में है, तो निश्चित तौर पे आप गांधी मैदान आइए, पूरे बिहार की प्रतिभा आपको यहाँ पे दिखेगी, कला में, संस्कृति में, कल्चर में, खेल कूद, या फिर विज्ञान हो, या फिर शिक्षा विभाग हो, या फिर आपदा प्रबंधन हो, उद्यमी विभाग हो, सभी लोग जो बिहार का जो टैलेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। छोटी सी झलक में एक पूरे गांधी मैदान में आपको पूरा बिहार दिख जाएगा। आप अभी आईआईटी पटना के स्टूडेंट के द्वारा बनाए हुए ड्रोन कंप्यूटर, कैसे वो लोग वार्ड फ्लड को लेकर उन्होंने बनाया है कि राहत सामग्री यदि बाढ़ की स्थिति आती है कैसे आसानी से पहुँचाया जा सके, उसी पर ये लोग काम कर रहे थे। आप लोग कुछ और दिखाना चाह रहे हैं क्या? तो सर देखिए, एक डेमो दिखाना ये लोग चाह रहे हैं, कैसे ये ड्रोन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ड्रोन बिल्कुल उड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, और आप बताते भी जाइए इसका क्या यूज होगा। ये इसका पूरा ये पूरा उसका कंट्रोलर है। अच्छा अच्छा, ये वाला जैसे आप देख रहे हैं, थोड़ा सा पास ला दीजिए कैमरा। ये देखिए ड्रोन भी दिखाते रहिए, ड्रोन भी वहाँ उड़ रहा है। ये हमारा ड्रोन है, ठीक इस है। हाँ, इससे हम लोग हाइट ले जाते हैं, इससे नीचे आता है, ठीक। ये रोटेशन के लिए है दोनों साइड, ठीक। और ये है जिस डायरेक्शन में कैमरा है उससे आगे, ठीक, और उससे पीछे, ठीक। और ये लेफ्ट एंड राइट, ठीक। उसके साथ जो भी आप इंटेलिजेंस डिवाइसेस देखें वो उसमें असेंबल्ड होगा, और जो भी आपका डिजास्टर हुआ है जैसे फ्लड हुआ या भूकंप आया, इस ड्रोन के हेल्प से जो आपने डिवाइस बनाया है उस डिवाइस के माध्यम से कहाँ पे फ्लड में कितना गहराई पानी में है या फिर कहाँ क्या आवश्यकता पहुँचा देंगे। इसका अभी रेंज मॉनिटरिंग करने, इसका अभी रेंज 4 किलोमीटर है, और बहुत सारा आता है पेलोड ड्रोन भी आता है जिसमें हम लोग बहुत सारा वेट कैरी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, इस ड्रोन के हेल्प के माध्यम से पटना आईआईटी के छात्र ने नया इनोवेशन, बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ की सामग्री, राहत सामग्री कैसे आसानी से पहुंचाया जाए, इसी को लेके ये लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। यदि इनमें इन्वेस्ट किया जाए, सरकार ध्यान दे, तो निश्चित रूप से आपको बिहार में नए नए आविष्कार देखने को मिलेंगे, बिहारी टैलेंट देखने को मिलेगा। बिहार यूं ही नहीं ज्ञान की धरती कही जाती है। और भी ये तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप बने रहिए नेशनल दस्तक के साथ। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।